फाइनली दोस्तों हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना बहुत ठंडा मौसम, मतलब जैसे ऐसे लग रहा है तूफान आने वाला हो, और ना यहाँ पे कम से कम थोड़ी चाय मिल गई तो मतलब बिल्कुल सुकून सा मिल रहा है ऊपर पहुंचकर। हम अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर और अभी हमें काम मिल गया है कि हमने यहाँ से लकड़ी लेकर आने हैं, तो हम फिर से जंगल जा रहे हैं लकड़ी लेने। तो मतलब बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे कि मतलब कुछ काम कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और यहाँ पे ना पहले तो बहुत कम हो गए थे, तो हमने सोचा कि भाई खाली हो गया, रात को मतलब सोने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाएगा बच्चों को। लेकिन अभी देखा तो अब इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि मतलब कई लोग जो सुबह नहीं आए थे अब आना शुरू हो गए हैं, तो अब यहाँ पे भीड़ दोबारा से शुरू हो गई। और आज रात को यहाँ पे जागरण है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहना और लास्ट तक ज़रूर देखना प्लीज़। यहाँ पे मुझे मेरी भाभी मिल चुकी है लकड़ी लेते हुए, अब हम भी जा रहे हैं लकड़ी लेने। ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। तो आप देख सकते हो भाई साहब, लकड़ी मैंने ढूंढ ली है, जीत गई मैं। यहाँ से हमारे माँ पापा ले जाते थे लकड़ी, मतलब मम्मी ले जाती थी, पापा को पता नहीं, लेकिन आज मैं भी ले गई। फाइनली हमें लकड़ी मिल चुकी है, मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ कर ले आई। मैंने सोचा पेड़ ही उखाड़ लेते हैं। ये देखो यहाँ पर आग जली हुई है जंगल में, गांव में बहुत सारे, मतलब हर बार जंगल में आग लगी जाती है, पता नहीं कैसे लगती है ये नहीं पता। और यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है ना, कभी तो क्या बताऊँ। सारे यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जागरण शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ये मंदिर बन चुका है, और सुबह यहाँ पे माता रानी को लाया जाएगा, मूर्ति को माता की। और ये रहा यहाँ का, ये रहा भारत माता उत्तराखंड धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ काली का देवी, शंकर महादेव बजिया महादेव बुजिया महादेव भूमा देवी माता की। तो अब हम जा रहे हैं पूरी बनाने, जहाँ पे बन रही हैं पूरियाँ। चलो आ जाओ भाभी, दोस्तों ये मेरी भाभी है, स्पेशल भाभी, स्पेशल रोटी बेलती है। और ये मेरी भाभी 7 दिन से यही काम कर रही है, पूरी सेवा में है। और इनके होंठ भी फट चुके हैं बेचारे, ये इनका पूरा योगदान है यहाँ पे, ये 7 दिन से यहाँ लगातार काम में बिजी। और यहाँ पे सारे सेवा करते हुए, कोई पूरियाँ बना रहा है, कोई बेल रहा है, कोई डाल रहा है। Mera dada, mera dada, no tumi na, no tumi na.
यहाँ पे चल रहा है रात का भोजन। हेलो दोस्तों, तो सुबह की 4:30 बज चुकी है, 6 बजे यहाँ पे मूर्ति स्थापना होगी और उसके बाद हम भेंट चढ़ाएंगे और फिर घर को निकल जाएंगे। और रात को मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल डेड पड़ चुकी थी फ़ोन की। तो रात का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि क्या बताऊँ। कि दोबारा जब भी मौका मिला तो ज़रूर फिर से आऊँगी। तो आपको मौका मिला तो आप भी बिल्कुल आइएगा। ये देखो यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, ये उन लोगों के हैं जो 6-7 दिन से अपना यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। तो रात को यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि क्या बोलूँ, मतलब कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि यहाँ पे मैं एक टेंट पे गई थी तो मैंने किसी से कहा कि थोड़ा बच्चों को सुलाने दो, तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया और कहा कि ये ऑफिस रूम है, यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो मुझे फिर ये फील हुआ कि भाई मंदिर में भी मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब एक बच्चों को, मतलब दो बच्चों को थोड़ी सी भी जगह नहीं दी गई। तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि मतलब इससे ये पता लगा कि कभी भी किसी के भरोसे नहीं आना चाहिए। तो जब भी जाओ तो अपना सामान अपने साथ पूरा ले जाना ही ज़रूरी है। अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो आज जाने वालों की भीड़ है, आज भंडारा है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।